हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जी लेकर। देखते हैं आप दोनों की आज की एनर्जी कैसे रहने वाली है। इस डेक को मैं करूँगी रैंडमली टू पार्ट्स में डिवाइड और हम देखेंगे क्या निकल कर आता है आपकी तरफ और आपके पार्टनर की तरफ। आज आपने बहुत सारे कार्ड्स ले लिए हैं और आपके पार्टनर को बड़े कम कार्ड्स दिए हैं, बट इट्स ओके, जो आना था वही आएगा। एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, वाओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आज के दिन कुछ लोग, बहुत कम लोग, मतलब 20% लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे कुछ चीज़, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खुद में भी इंटरेस्ट नहीं है। सेल्फ लव तो दूर की बात है, आप अपनी फैमिली में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। मतलब बिल्कुल अकेले रहना, रोना धोना, आंखें सुजा लेना, ये वाली एनर्जी है। कलेक्टिव लोग, 70-80% लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, आपका या तो रीयूनियन हो गया है या होने वाला है, या आपका ऐसी उम्मीद है पूरी, या आप बहुत ज़्यादा लवी रवी एनर्जी में है, बहुत पॉजिटिव है, आपको अंदर से ऐसी एनर्जी निकल रही है। आपकी सोल जो है वो आपको इन्फॉर्म कर रही है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कुछ लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ, बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, इमोशंस एक्सचेंज हो सकते हैं, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओवर एंड ऑल बहुत पॉजिटिव एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की। आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, नाइन ऑफ कप्स, वाओ। बॉटम से है व्हील ऑफ द ईयर, डेफिनेटली आने वाले हैं आपके पर्सन, आने वाले हैं या आ चुके हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। कुछ लोगों के पार्टनर फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं आज के दिन में, उनको फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में आ चुके हो या आने वाले हो, आपकी तरफ उनको डिसीजन लेना है, आपको स्पाई भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं। आज के दिन टेलीपैथिकली या पर्सनली आपसे कनेक्ट हो सकते हैं आपके पर्सन। सडन कोई चेंज होगा, सडन चेंज इन द सेंस आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया, इतना बड़ा मिरेकल कैसे हो गया। आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक फ्लश आउट, एक बार में फ्लश आउट हो जाएंगी। ऐसा कुछ मिरेकल भी हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में कि आपके लाइफ से थर्ड पार्टी निकल जाए, या आपके लाइफ से आपके पर्सन जो डीले कर रहे थे वो डीले ना करें, आपको पूरा क्लियर कर दें सारी सिचुएशन। तो ये चीज़ें आपको होने वाली हैं आपके साथ, कुछ लोगों के साथ बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। और ये जो कुछ भी मिरेकल होने वाला है, ये फाइव नंबर है, 5 to 7 days के अंदर होने वाला है, 5 to 7 days के अंदर। यस, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है आप में से कई लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नज़र आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स, जैसे कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या कुछ ऐसे आपको नज़र आ सकता है, या आप बहुत ज़्यादा हॉर्सेस देख सकते हैं। हॉर्सेस मूवमेंट के, मूवमेंट को डिनोट करते हैं, और यहाँ पर हॉर्सेस बहुत ज़्यादा आपको वाइट कलर के अगर हॉर्सेस दिखें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी नज़र आ, कुछ लोगों को यूनिकॉर्न नज़र आ सकते हैं, यहाँ पर फ्लावर्स नज़र आ सकते हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आपको वाटर की एनर्जी भी नज़र आ सकती है। जस्ट गो विद द फ्लो को डिनोट करता है वाटर, आपको बिल्कुल बहते पानी की तरह रहना है, सरेंडर के मोड पे रहना है, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपके लाइफ में कुछ भरा हुआ, जैसे मटका होता है भरा हुआ, पानी भरा हुआ या कुछ भरा हुआ आपको दिख सकता है, ये भी बहुत अच्छा साइन होता है। आप में से कई लोगों को फ़िश नज़र आ सकती है ड्रीम में, या बहुत ज़्यादा फ़िश की वीडियो पॉपअप हो सकती है, तो भी आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके बाद जो बड़ी रीडिंग आएगी उसमें हम देखेंगे कि ये क्या एक्शन लेने वाला है या क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं इसके बाद। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।